माँ की परछाई। कोमल और अनूप पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे, जहाँ अनूप करोड़ों कमाता था, वहीं कोमल अनूप के पैसों को उड़ाती थी। अनूप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था और उनके बिना उसकी जिंदगी ऐसी थी जैसे माली के बिना बाग। माँ उसके लिए भगवान और पिता उसका मंदिर थे। एक रोज अनूप कोमल से कहता है, मेरे पापा को अब बहू की जरूरत है जो उनके घर में बेटे की तरह रह सके। दीदी की शादी के बाद घर खाली खाली सा हो गया है। अब हम दोनों को शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। क्या, ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों को बहू नहीं काम वाली चाहिए। मैंने सोचा था कि जिंदगी भर मैं और तुम अकेले रहेंगे, जिंदगी एंजॉय करेंगे, प्राइवेट टाइम शेयर करेंगे। इन बूढ़े बूढ़ियों के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। आई वॉन्ट टू सेटल इन फॉरन, मुझे हाई सोसाइटी चाहिए। अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। What? मैं अपने माँ पापा को छोड़ दूँ? ऐसा तो ना आज हो सकता है ना कल। मुझे लगा था कि तुम इस घर में आओगी तो मेरा घर रोशन हो जाएगा। क्या पता था कि तुम मेरे घर में अंधेरा करना चाहती हो। उदास होकर अनूप वहां से चला जाता है। वो पूरी तरह बिखर जाता है। रात को पूरे नशे में अनूप जब अपने घर आता है तो उसे ऐसी हालत में देखकर उसके माँ बाप इसका कारण पूछते हैं और वो नशे में सब कुछ बता देता है। इधर कोमल अपनी माँ से कहती है, मम्मा आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अनूप की माँ तो पुजारण है, ऐसे पंडितों के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती हूँ। यस माई डॉटर, और अब अगर अनूप या उसके घर वाले तुम्हें शादी के लिए मनाने आए तो अपनी बात पर अड़ी रहना, और अनूप से ये भी कह देना कि अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे बिना बताए अपनी बहनों को पैसे दे दे और तुझे इसकी भनक तक ना लगे। हाँ माँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। उधर अनूप की ऐसी हालत देखकर सरला कोमल को फोन करती है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोमल मानने को तैयार ही नहीं होती। कोमल की शादी NRI अनुभव से तय हो जाती है और जब ये खबर अनूप को मिलती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा तू एक बार जाकर कोमल से बात कर ले, वो यही चाहती है ना कि मैं और तेरे पापा तुझसे अलग हो जाए। तो अलग हो जाएंगे बेटा। अरे ये कैसी बात कर रही हो माँ तुम, क्या मैं तुमसे दूर होकर रह पाऊंगा? अरे मेरे बच्चे, दूर कहाँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, बस रहेंगे अलग अलग। तेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब तू जा और मेरी बहू को घर ले आ। अनूप कोमल के घर उससे मिलने जाता है और आंचल उससे कहती है, मेरी बेटी तुमसे मिलना नहीं चाहती, उसकी शादी एक बहुत रईस घर में तय हो गई है, उसे परेशान करना छोड़ दो। आंटी जी बस एक बार उससे मिल लूं, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अनूप जबरदस्ती कोमल के कमरे में चला जाता है और कोमल अनूप को एक तमाचा लगा देती है। मुझसे दूर रहो, मुझे अगर पता होता कि तुम्हारी सोच इतनी पुरानी है तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहती। आई हेट यू, जिंदगी भर इसी जगह पड़े रहोगे तुम। मैं तो चली फॉरेन। अरे एक बार मेरी बात तो सुन लो, इतने वक्त तक का रिश्ता एक चुटकी में खत्म कर दिया तुमने, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कोमल अनूप को अपने घर से धक्के मार कर निकाल देती है और अनूप खुद को नशे में डुबा लेता है। इधर कोमल अनुभव से शादी करके USA शिफ्ट हो जाती है। कोमल की जिंदगी वैसे ही चलने लगती है जैसा उसने सोचा था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि अनुभव का अफेयर किसी के साथ चल रहा है। ये क्या है अनुभव, मेरे होते हुए तुम किसी और को डेट कर रहे हो? तो क्या हुआ, इट्स नॉर्मल यहाँ के लिए, ये आम बात है, इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। तुमसे पहले भी मेरी लाइफ में 10 थी और तुम्हारे बाद भी मेरी लाइफ में 20 आएंगी। तुमसे मेरा मन भर गया है, वैसे भी पड़ी रहो एक कोने में। ये सब सुनकर कोमल को अनूप की याद आने लगती है और वो आंचल को कॉल करके सब कुछ बताती है। बेटा ये सब छोड़ और किसी भी तरह अनुभव की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की सोच। कल रात को जैसे ही वो आए उसे इतना पिला दे कि उसे होश ही ना रहे और प्रॉपर्टी के पेपर पर उसकी सिग्नेचर ले ले। मम्मा यहाँ मेरा घर टूट रहा है और अब भी आप यही सोच रही हैं?
माय डॉटर, तुम समझ नहीं रही हो। जब सारे पैसे तुम्हारे होंगे तो अनुभव जाएगा कहाँ? आखिर में उसे तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा ना बेटा। वाह मम्मा, यू आर रियली जीनियस। दूसरी ओर अनूप के घर वाले उसे डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं और उसकी शादी तय कर देते हैं। धीरे धीरे अनूप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगता है। इधर आंचल के बताए हिसाब से कोमल अनुभव से पेपर साइन करवाने लगती है और अनुभव को पता चल जाता है। तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे स्टूपिड से झांसे में मैं फंस जाऊंगा? निकलो मेरी जिंदगी से, डिवोर्स है मुझे तुमसे। ऐसा मत कहो, मैं कहां जाऊंगी? जस्ट गो टू हेल। रो रो कर कोमल आंचल को सारी बात बताती है। आंचल कोमल के पास चली जाती है और अनुभव को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अनुभव कोमल को तलाक देकर उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देता है। कोमल आंचल के साथ उसके घर चली आती है। उसे अब ये एहसास होने लगता है कि वक्त ने उसके साथ वही किया जो उसने किसी समय अनूप के साथ किया था। उसे अनूप से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन आंचल उसे कहती है, माफी किस बात की बेटा? मेरी बेटी माफी मांगेगी? और वो भी उससे? कभी नहीं, वो तो तेरे प्यार में पागल है। उसे तू अपनी जिंदगी में जब चाहे वापस ला सकती है, और बाद में उसके माँ बाप को दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकना। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सारी बातें अनूप सुन लेता है, जो कि अपनी शादी का कार्ड कोमल की माँ को देने आया था। ये सुनकर अनूप उल्टे पांव वापस चला जाता है। और जब अगले दिन कोमल अनूप के घर आती है, अनूप मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं ना आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, और इसीलिए तो मैंने अनुभव को भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रही थी। तुम आज भी नहीं बदली कोमल, तुम्हारे जैसी मक्कार लड़की मैंने नहीं देखी। मैं कल तुम्हारे यहाँ कार्ड देने आया था और मैंने सब कुछ सुन लिया था। कुछ दिनों बाद अनूप की शादी हो जाती है और कोमल की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। मम्मा, मैंने तुम्हारी बात मानकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। कोमल पागल हो जाती है और अनूप अपनी जिंदगी अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुशी खुशी बिताने लगता है।